राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं झालरापाटन के विधायक वसुंधरा राजे इन दिनों अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार दोपहर वसुंधरा राजे अपने काफिले के साथ में महात्मा गांधी कॉलोनी पहुंची और गाड़ी से उतरकर अचानक एक कार्यकर्ता की बाइक पर पीछे बैठ गई। कुछ देर तक कॉलोनी में बाइक पर भ्रमण करने के बाद राजे बाइक से उतर गई और फिर एक अन्य कार्यकर्ता के स्कूटर पर सवार हो गई। इसके बाद वे स्कूटर पर गिंदोरा गेट होते हुए नगर पालिका तथा झालरापाटन शहर के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ताओं से मिली, शहर में व्याप्त कमियों और अव्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को खामियां दुरुस्त करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। राजे ने तालाबों की स्थिति सुधारने तथा तालाबों में हो रही अतिक्रमणों को लेकर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए हैं। अक्सर अपने दौरे के दौरान व्यस्त रहने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों अलग ही मूड में नजर आ रही हैं। राजे इस क्षेत्र में लगभग 35 सालों से लगातार बनी हुई हैं तथा यहां से चुनाव लड़कर जीतती भी रही हैं, किंतु पिछले 20 सालों के दौरान उनके यहां पर इस प्रकार से घूमते फिरते नहीं देखा गया। हालांकि जब भी आती हैं तो कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात करती हैं, किंतु इस प्रकार से मोटरसाइकिल और स्कूटर पर बैठकर घूमते हुए नजर तो नहीं आई है वसुंधरा राजे। युवा पीढ़ी ने पहली बार ही देखा होगा, जिसके लोगों में काफी चर्चा हो रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया पहले मोटरसाइकिल और बाद में स्कूटर पर सवार होकर झालरापाटन शहर का भ्रमण कर रही थी। तब तक वे जहां भी रुकी उनके साथ सेल्फी खींचने वालों का तांता लगता रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जन उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर नजर आए। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी स्कूटर और मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए लोगों को सेल्फी लेने का अवसर भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।